बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक संत रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। उनके बिल्कुल सामने दो अंग्रेज लड़कियां बैठी थी जो उनके भगवे कपड़े देखकर उनका मजाक उड़ा रही थी, मगर संत को लड़कियों की बातों से कोई फर्क ना पड़ा। वह चुपचाप अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। अचानक दोनों लड़कियों की नजर उनके हाथ पर पहनी घड़ी पर पड़ती है जो देखने में काफी महंगी लग रही थी। लड़कियों ने सोचा, इस संत के पास इतनी महंगी घड़ी कहां से आई होगी? जरूर इसने कहीं से चुराई होगी। अब दोनों लड़कियां उस संत से घड़ी हथियाने की सोचती हैं। दोनों लड़कियों ने संत से कहा, तुम हमें अपनी वो घड़ी दे दो, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। संत ने उनकी बात सुनकर भी उन दोनों को अनसुना कर दिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। फिर दोनों लड़कियों ने उन्हें इशारे करके समझाना चाहा कि वह अपनी घड़ी उन्हें दे दे, नहीं तो वह पुलिस को बुला लेंगी। उस संत ने फिर ऐसे बर्ताव किया कि जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया हो। फिर उस संत ने खुद दोनों लड़कियों को इशारा करते हुए कहा, जो भी बोलना है लिख कर दे दो। लड़कियों ने यही किया। उन्होंने कागज पर लिख कर दिया कि तुम हमें अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे, और कागज संत को दे दिया। कागज पर लिखा पढ़ने के बाद संत बोले, अब आप पुलिस को बुला लो, क्योंकि अब मेरे पास आपके हाथ का लिखा ये सबूत है जो मैं पुलिस को दिखा सकता हूँ। संत को बोलता देख दोनों लड़कियां दंग रह गई और उनके तेज दिमाग को मान गई। यह संत कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी थे।